क्योंकि मैं बिजनेस वूमन्स हूँ, हम लोग बिजनेस करते हैं, तो ये देना लेना ये तो अपने इंसान के अंदर के खुद की दिल की ख्वाहिश होती है। ऐसे फालतू लोगों के बोलने से कुछ फर्क पड़ता है? डब टपा डब मालूम ना कैसा लेते फिर टपा डब टपा डब टपा डब। अभी बता दे, मैं घर की औरत हूँ, मैं तो रहन से नहीं मेरा ऐसा। तू तेरी औकात और तेरी हैसियत तो देख ले, तू जो दूसरों को नाम रखता है। नहीं, अभी और सुनिए। मुझे जो पसंद करते हो, जो मुझे प्यार करते हो, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। और उसमें 90% यंग बच्चे जो मुझे माँ बोलते हैं, तो मैं खास दिल से बेटा आप मुझे माँ बोलते हो, माँ और बाप आप लोगों को देने के लिए होते हैं, कुछ लेने के लिए नहीं। तो मैं लेकिन आपसे कुछ मांग रही हूँ तो एक माँ समझ के मुझे वो अगर आप दे सकते हो तो देना ज़रूर। ये जो आप लोगों ने देखा कि मेरे खिलाफ़ जो वीडियो डालती है, मैं उसका आईडी मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि आजकल मेरे सीने में बहुत दर्द होते रहता है, तो मैं ये सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहती। मुझे डर लगने लगा कि मैंने कभी ज़िंदगी में ये सब चक्करें करी नहीं, गिब्बतों में पड़ी नहीं। अच्छा, तो इसीलिए मैं दिल से चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो, भले आपको जो भी बोलना है बोलो। और मेरा जो बिज़नेस है इससे काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको काफ़ी उम्मीदें हैं, तो मुझे डर लगता है कि पता नहीं मैं उनकी उम्मीदों पे खरी उतर पाऊँगी ऐसे वक्त पर। मेरे सीने में काफ़ी दर्द होते रहता है। काफ़ी अप्रिशिएट हुआ कि आज ये वक्त में भी मेरे बच्चे और मेरे शौहर इतनी मेरी इज्जत करते हैं, तो ऐसी इज्जत सबको नसीब नहीं होती। तो आज के बाद ये गंदी बातों में मैं कभी नहीं पढ़ूंगी। अल्लाह हाफिज़। चल झूठी